दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला अध्याय 20 पयार संख्या 14 से दी गई है। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जाना। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंतोद्गत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा हो। तो कीर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अगर हमें चाहते हैं कि संसार में लोग कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करें तो क्या करना पड़ेगा, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराना होगा। और इसमें लीजेंडरी प्रीचर हैं नित्यानंद राम, आप किसको प्रीचिंग कर सकते हैं, मनुष्य को। अब किस किसने कभी मगरमच्छ को प्रीचिंग की है, नहीं की, नित्यानंद प्रभु ने की है। नित्यानंद प्रभु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, भाई कृष्ण का नाम तो सबके लिए है। तो कभी वो तालाब में कूद जाया करते थे और मगरमच्छ ओले लगाते थे, कहते मगरमच्छ तुम कृष्ण का नाम लो ना। और नित्यानंद प्रभु की पोटेंसी इतनी ज्यादा है कि इवन मगरमच्छ भी है वो उसके भी अश्रु बहते थे और वो कृष्ण का नाम लेता है। सो प्रीचिंग में हो गए बी लाइक नित्यानंद प्रभु, नोबडी। उनकी कृपा से जो प्रचार होता है वास्तव में नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होता है, यस। पर नित्यानंद प्रभु की कृपा जब हुई जगाई मधाई के ऊपर और ये बात पता लगी यमराज जी को, क्योंकि यमदूत ने बताया कि यमराज जी वो जगाई मधाई का जो अकाउंट था, हम जो नोट कर रहे इसके लिए ओवर टाइम भी कर रहे थे, घर जाने का टाइम नहीं मिल रहा था हम लोगों को, सैटरडे संडे भी काम कर रहे थे, वो अकाउंट जल के खत्म हो गया। वो ना नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई उनको, महाप्रभु उनको हरिनाम दे दिया, वो अकाउंट जल के खत्म हो गया। यमराज ने कहा क्या बोल रहे हो तुम, नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई तर गया। उसके बाद उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। कुछ से बाद वहां ब्रह्मा जी आए, कहते क्या हो गया भाई इनको, क्या क्यों डांस कर रहा है यमराज इतना ज्यादा, कहते वो जी नित्यानंद प्रभु की कृपा से ना जगाई मधाई तर गए। अच्छा जगाई मधाई तर गए नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और जी ब्रह्मा जी ने डांस करना शुरू कर दिया। उसका शिव जी आए, शिव जी ने कहा क्या भाई डांस पार्टी कैसे चल रही है, कहते वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ना जगाई मधाई तर गए। अच्छा ऐसा क्या, उसके बाद शिवजी ने डांस करना शुरू कर दिया। फिर गणेश आया, कहता पापा को डांस करना है क्या हो गया, मैंने कहा अरे वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ना वो जगाई मधाई तर गए, जगाई मधाई तर गए। अच्छा उसके बाद तो गणेश जी ने डांस करना शुरू कर दिया, कहते अरे भैया को डांस करें, कार्तिक ने सोचा कार्तिक आया उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, सप्तऋषि आया डांस करना शुरू कर दिया, सुखदेव गोस्वामी आए उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, नाद मुनि आया उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकली 33 कोटि देवी देवता ऋषि मुनि सप्तऋषि अष्टऋषि जितने भी थे सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे और कहते नित्यानंद प्रभु की कृपा ने जगाई मधाई को उतार दिया, भाई जगाई मधाई को उतार दिया। इन दिस वे ये नाम संकीर्तन चला, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब थक के चूर नहीं हो गए वो, तब तक कीर्तन चलता रहा। सो हरि नाम संकीर्तन हम ही नहीं करते, देवी देवता भी करते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नाम संकीर्तन। पर वो किसकी कृपा से हो पाता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो पाता है। सो इवन देवी देवताओं को कृपा मिलती है तो नित्यानंद बलराम की कृपा से नाम संकीर्तन, ही कैन डिलीवर द मोस्ट फॉलन द मोस्ट डेस्टिट्यूट बाय द पावर ऑफ होली नेम। नित्यानंद राम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। हम सब वैष्णव भक्त चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।